नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत कुमार। आइए आज मैं आपको हरियाणा में ई रवाना जनरेट करने का तरीका बताता हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। कैसे आप ई रवाना जनरेट कर सकते हैं? आज मैं ई रवाना जनरेट कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में गूगल को ओपन करेंगे। अपना गूगल ओपन हो गया है। यहाँ डालेंगे माइनिंग, माइनिंग एंड जियोलॉजी। पहले से डाल रखा है, मैं आपको दोबारा से डाल के भी दिखा रहा हूँ कि कैसे हम ई रवाना जनरेट करते हैं। हमारी ई रवाना की जो साइट है, जिसको वेबसाइट भी बोलते हैं, वो है माइनिंग एंड जियोलॉजी हरियाणा। आप देख सकते हैं मैंने ओपन कर ली है। थोड़ा क्लियर दिखाने के लिए नज़दीक से दिखा रहा हूँ आपको। माइनिंग एंड जियोलॉजी हरियाणा, इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। हम इस ऑप्शन को ओपन करेंगे। ये देखिए, वेबसाइट हमारी खुल चुकी है ई रवाना की। इसमें आ रहा माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट। अब इसमें हम देखेंगे कि कैसे ई रवाना जनरेट करते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको, उसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे जाना होगा। इसमें देखो, एक ऑप्शन मिलेगा ई रवाना का, ये ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ से इसको ओपन करेंगे। अब हमारा पेज जो है, जहाँ पे हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है, वो ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पे हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। ये हमारा थोड़ा सिक्योर है, इसको मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। इसको डालने के बाद हम इसमें साइन इन करेंगे। साइन इन के बाद ये देखो, हमारा जो यूज़र आईडी पासवर्ड है, वो लॉगिन हो गया है। अब कैसे जनरेट करते हैं? यहाँ पे देखो, आपको ऑप्शन मिलेंगे। होम का ऑप्शन है, क्रेशर रजिस्ट्रेशन है, और क्रेशर ई रवाना का ऑप्शन दिया गया है। इस ई रवाना वाले ऑप्शन को हम ओपन करेंगे। इसमें फिर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ई रवाना ट्रांजेक्शन्स, और दूसरा ऑप्शन मिलेगा जनरेट ई रवाना। तो हम नया ई रवाना जनरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ओपन करेंगे ई रवाना, जनरेट ई रवाना। इसको हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने आती है एक नया पेज, जहां हमको डिटेल्स डालनी है कि गाड़ी का वज़न क्या है, गाड़ी कहां जा रही है, ड्राइवर। सबसे पहले हम इसमें सेलेक्ट करते हैं, अगर आपकी गाड़ी माल लेके जा रही है, अगर हरियाणा के अंदर ही माल डाल रही है, तो हम इसमें सबसे पहले हरियाणा सेलेक्ट करेंगे। हरियाणा सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद अगर हमारी गाड़ी हरियाणा से बाहर जा रही है, तो हम उसके लिए आउटसाइड हरियाणा सेलेक्ट करेंगे। तो फ़िलहाल मैं आपको हरियाणा का ही एक डेमो दे रहा हूँ। हरियाणा में ऐसे करते हैं, यहाँ पे हरियाणा सेलेक्ट करते हैं, और बाकी की डिटेल जो हैं वो आपके सामने आ रही हैं। आप देख सकते हो, हमें सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले ड्राइवर का मोबाइल नंबर डालना है। ड्राइवर का मोबाइल नंबर हम यहाँ डालेंगे। यहाँ पे हमने ड्राइवर का मोबाइल नंबर डाल दिया। फिर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, परचेजर नेम। परचेजर नेम में आप डालोगे पार्टी का नाम, जो पार्टी आप, जिस पार्टी के लिए आप ई रवाना जनरेट कर रहे हैं, जिस पार्टी के पास आपका माल जा रहा है क्रेशर से, उस पार्टी का नाम हम यहाँ डालेंगे। फिर उस पार्टी का हम जीएसटी नंबर डालेंगे। उस पार्टी के जीएसटी नंबर के बाद इस पर हम जीएसटी नंबर डालेंगे, और उसके बाद हम डालेंगे मटेरियल क्या है। हम मटेरियल को जैसे सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे मटेरियल के बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। उसमें से आप मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल आपको डालना है। जो भी मटेरियल आपको, जो भी गाड़ी लेके जा रही है, वो आपको डालना है। यहाँ पे मैं WMM को सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद परचेजर का एड्रेस क्या है,
परचेजर का एड्रेस क्या, जहाँ आपकी गाड़ी खाली होनी है या जहाँ जाएगी। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं अपने हरियाणा की लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि जड़ा अपनी गाड़ी खाली होगी उस स्थान का नाम डालना, उस जगह का नाम डालना है। मैंने इसमें नारनौंद को सिलेक्ट किया है क्योंकि पहले से ही मैंने एक दो ई रवाना जनरेट कर चुका हूँ, एक दो नहीं मैं पूरे 15-16 से ज़्यादा ई रवाना जनरेट कर चुका हूँ, मैंने एकल से ही शुरू किया था। उसके बाद आप देख सकते हो कि रेट क्या जा रहा है, उस रेट को, इस रेट से पहले हम क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे। जो क्वांटिटी हमारी जा रही है उस क्वांटिटी को हम सिलेक्ट करेंगे, उसमें मैं डाल रहा हूँ 20 टन। ये सिर्फ मेट्रिक टन में ही सपोर्ट करता है, अभी इसमें कोई चेंजिंग का ऑप्शन नहीं आया है शिफ्ट सेफ्टी का, स्क्वायर फिट का और केजी का कोई ऑप्शन नहीं आया है, तो इसलिए हम इसमें मेट्रिक टन ही सिलेक्ट करेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें रेट, किस रेट में आप सेल कर रहे हो वो रेट वो डालोगे आप। तो मैं यहाँ 280 का रेट डाल रहा हूँ। और फिर डालेंगे ट्रांसपोर्ट टाइप, ट्रांसपोर्ट टाइप में हमें डालना है कि कौन सी गाड़ी है। इसमें भी आपको बहुत 5-6 ऑप्शन मिलेंगे, बॉक्स ट्रक, वैन, प्लेटफॉर्म ट्रक, फ्लैट बेड ट्रक और ट्रैक्टर, हाईवा ट्रक। इनमें से जो गाड़ी आपके माल लेके जा रही है उसी गाड़ी को आप सिलेक्ट करोगे। तो मैं यहाँ पे हाईवा ट्रक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर इसमें डालेंगे हम डिस्टेंस, गाड़ी कहाँ जाएगी, जहाँ आप हो वहाँ से गाड़ी की दूरी, कितनी दूरी पे जाएगी, अब उस दूरी को डालेंगे। तो मैं इसमें 84 डाल रहा हूँ, पहले से ही डली हुई है। फिर इसके अंदर डालेंगे हम गाड़ी का नंबर, गाड़ी का नंबर डाल देते हैं। जैसे ही आपके सामने ऑप्शन आते हैं GST का और SGST और CGST, यहाँ पे ऑप्शन आपको, अगर आप आउटसाइड हरियाणा सेलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे IGST का ऑप्शन अपने आप आ जाएगा, अगर आप हरियाणा का ही ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो तो SGST और CGST का ऑप्शन दोनों आपको अपने आप ही शो मिलेंगे। हमें सिर्फ रेट और क्वांटिटी डालने की ज़रूरत है, बाकी कैलकुलेशन जो एक्चुअल होती है उसको अपने आप ले लेता है। गाड़ी नंबर के बाद हम डालेंगे रूट, कौन सा रूट, गाड़ी कहाँ से जाएगी। अब नारनौंद के लिए गाड़ी जाएगी भिवानी से हांसी और हांसी से नारनौंद, ऐसे जाती है। उसके बाद हम डालेंगे HSN कोड, स्टोन मटेरियल का जो भी आइटम आप ले रहे हो उसका HSN कोड अलग अलग होता है, तो वो स्टोन मटेरियल का HSN कोड जो है 2517-1010 है, तो हम इसमें 2517 डालेंगे। उसके बाद आप को कुछ नहीं, एक बार चेक करना है कोई क्वेरी है या नहीं है, फिर उसके बाद आपको सीधा जनरेट करना है। ये मैं जनरेट नहीं करूँगा क्योंकि ये एक डेमो है, तो यहाँ से आप जनरेट करोगे। जनरेट होने के बाद अभी आपको मिलेगा कहाँ कि आपका ई रवाना जो जनरेट हुआ वो कहाँ मिलेगा आपको, वो ई रवाना आपको मिलेगा जो ई रवाना जहाँ से हम न्यू ई रवाना जनरेट कर रहे हैं, क्रेशर ई रवाना, ये वाला वो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो इस पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ई रवाना ट्रांजेक्शन्स, इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगी कि जितने ई रवाना आपने जनरेट किए हैं उन सभी की डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। ये देखो मैंने काफ़ी सारे जनरेट किए थे, वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ई रवाना PDF, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो ऐसे। अब आपका सिंपल ही तरीका है, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ई रवाना है जो डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए ये ई रवाना जनरेट होके हमारा यहाँ आ चुका है। अब इसको सिंपली प्रिंट निकालेंगे, ये प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से हम प्रिंट निकालेंगे। अगर आपको एक कॉपी निकालनी है तो एक रखिए, अगर आपको दो कॉपी निकालनी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं 2-3 जो भी आपने निकालनी है, और फिर प्रिंट की कमांड दे देंगे यहाँ से। तो सिंपली आपका ई रवाना है वो, ऐसा बहुत ही सिंपल तरीका है इसका, और यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं इसका। ये था दोस्तों एक सिंपल तरीका ई रवाना का, कैसे ई रवाना जनरेट करते हैं। बिल्कुल मत झिझकिएगा, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में देख सकते हो या मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा।